जब तक ये बंदा था कहता रहा फ्री फायर छोड़ दो गरीना, फ्री फायर में अब कुछ नहीं बचा है, गरीना वाले लूटते हैं, बिल्कुल भी पैसे इन्वेस्ट मत करो। हमें कहीं ना कहीं लगता था कि नहीं, स्काईलॉर्ड है, जब तक वीडियो बना रहा है तब तक अपना फ्री फायर भी है, तब तक हम फ्री फायर खेलते थे हम। पर जब ये बंदा बोलना ही बंद कर दिया तब सच में ऐसा लग रहा है कि अब फ्री फायर में कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। स्पीचलेस हूँ, क्या कहूँ क्या ना कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सारे न्यूज़ आर्टिकल सब कुछ देखने के बाद ऐसा लगता है, ये मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पता चल जाए कि ये फेक है, र्यूमर है या अफवाह है या फिर वीडियो का एक पार्ट है। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, बट काश ये वीडियो क्लिकबेट होता, काश ये सब कुछ झूठ होता, काश अपना स्काईलॉर्ड अब इस दुनिया में रहा ही नहीं। पता नहीं, फ्री फायर कम्युनिटी का एक ऐसा बंदा जिसे हम असली में गेम चेंजर कह सकते हैं। समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूं क्या नहीं, बस ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि शायद कहीं से ये पता लग जाए कि ये सब झूठ है। कहीं ना कहीं मुझे पता है स्काई और मेरी ऑडियंस लगभग एक ही है, कहीं ना कहीं तुम लोग भी उसी तरीके से फील कर रहे होगे, तुम लोग भी शॉक्ड होगे जो हुआ, जो सुन रहे हो। शायद से बहुत लोग अभी सो रहे होंगे, बट कल सुबह जब उठेंगे तब क्या उनका रिएक्शन होगा मुझे नहीं पता। बस इतना पता है जो हुआ बिल्कुल ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल मतलब भरोसा कर ही नहीं सकते। एक सच तो ये भी है कि कहीं ना कहीं अगर रोस्टिंग एक्सपोज या किसी की गलती पॉइंट आउट करने का नाम आता है तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा भरोसा आज भी हमें स्काईलॉर्ड पर ही होता है। कहीं ना कहीं आज भी मुझे लोग स्काई लेडी के नाम से जानते हैं, कहीं ना कहीं आज भी बहुत से लोग को मैं खुद समझाती हूँ जब लोग मुझसे पूछते हैं कि माज तुम्हारा यूट्यूब पे किस टाइप का कॉन्टेंट है, मैं खुद बोलती हूँ मैं स्काईलॉर्ड के टाइप का वीडियोज़ बनाती हूँ। और जब पहली बार अचानक से मैंने सुना शॉक्ड रह गई मैं, सुन हो गई मैं कुछ देर के लिए। हुआ ये कि मैं गेम खेल रही थी और तभी नोटिफिकेशन आया मार्च स्काई नहीं रहा, गेम होम बेस से डायरेक्ट मैंने बंद कर दिया। मैंने पूछा स्काईलॉर्ड, मन में इस उम्मीद के साथ कि नहीं ये कुछ और कह रही होगी शायद, पर हाथ मन और सब थरथरा रहे थे। जस्ट चंद सेकंड में इतना सब कुछ अंदर चल रहा था, बाहर चल रहा था, गूज़बम्स आ रहे थे, सुन पड़ी थी मैं क्या सोच रही हूँ क्या नहीं सोच रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता, बस ऐसा चल रहा था दिमाग में, ऐसे धक धक, हाथ पैर कांप रहे हैं। फिर उसके बाद जस्ट उसी सेकंड रिप्लाई आने के पहले मैंने उस बंदे को रात के 12:30 बजे कॉल भी कर दिया, बिना कुछ पूछे जाने कहाँ है कहाँ नहीं है, मैंने बस कॉल कर दिया। और फिर उसके बाद जब उसने बोला मैं एक वीडियो भेजती हूँ वो देख, स्काईलॉर्ड ही है ना सब। मध्य प्रदेश टूरिज्म राइडिंग टूर पर निकले बाइकर्स ग्रुप के एक साथी बाइकर की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना सोमवार दोपहर करीब 2 बजे नर्मदापुरम पिपरिया स्टेट हाईवे पर सुहागपुर में हुई। मृतक बाइकर्स अभ्युदय मिश्रा इंदौर के रहने वाले थे। टूरिज्म टूर राइडर्स इन द वाइल्ड का 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस पर समापन होना था। बाइकर्स ग्रुप 21 सितंबर को खजुराहो से टूरिज्म टूर्स राइडर्स इन द वाइल्ड पर निकला था। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। सब खत्म हो गया समझो, यूट्यूब सर्च किया, इंस्टा पे सबकी स्टोरीज, व्हाट्सएप पर हर जगह यही दिख रहा है। इतना क्लोज तो नहीं थी मैं स्काईलॉर्ड के, पर इतना क्यों लग रहा है मुझे, ऐसा क्यों लग रहा है कि अब आगे क्या होगा, अब अधूरा सा लग रहा है सब कुछ। अब दिल से कह रही हूँ कुछ नहीं बचा। स्काईलॉर्ड से मैं अलग ही टाइप से मिली, मतलब क्या बताऊँ, किस्मत कहो या फिर जो जिस बंदी ने मेरे को स्काईलॉर्ड से मिलवाया उसी बंदी ने मेरे को इस बात का भी खबर दिया कि स्काईलॉर्ड इज नो मोर। लिटरली ये चीज सुन के मेरे को, मैं कितनी बार बोलूँ बस मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। फ्री फायर कम्युनिटी में सबसे ज्यादा एक्टिव, सबसे ज्यादा रियल, सबसे ज्यादा मैच्योर अगर कोई ऑडियंस है तो वो स्काईलॉर्ड का ही है। अभी स्काईलॉर्ड की कम्युनिटी में क्या हलचल मची हुई है मैं आप सभी को नहीं बता सकती, तो मैं क्यों बताऊँ, मुझे पता है तुम लोग क्या फील कर रहे हो। दूसरी बात, मैंने ये जब न्यूज सुना तो फिर उसके बाद स्काईलॉर्ड के डिस्कॉर्ड पे गई तो फिर मैंने देखा जनरल वीसी पे इतने सारे बंदे बातें कर रहे हैं, रो रहे हैं, जब कोई अचानक से आ रहा है सब लोग पूछ रहे भाई ये सच है क्या,
वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। ट्रायलॉट से अलग ही तरीके से मिली मैं, और कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत अच्छा पहचान हो गया था। और ये सब के बाद अचानक से जब पता चलता है कि ही इज नो मोर, बहुत क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस इतना पता है कि ये चीज मैं अडेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। आई जस्ट होप हे भगवान स्काईलॉर्ड के परिवार को दर्द सहने की शक्ति दे, और खासकर उसके यूट्यूब फैमिली को जो उसको इतना ज्यादा प्यार करती है, जिसमें से कि एक मैं भी हूँ। एंड नाउ इट्स कन्फर्म्ड कि स्काईलॉर्ड अब हमारे बीच नहीं रहा। ओम शांति।